अबे इतने बढ़िया बढ़िया ब्रिज बन गए उत्तराखंड में। बढ़िया तो बन रहे। तो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशांत और जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देख लिया होगा कि हम लोग आ रहे थे गंगोत्री से। हर्षिल में हमने कैंप किया, उसके बाद जो मूसलाधार बारिश और स्नोफॉल हुआ है उसके बाद हम यहां पर आए थे। अब यहां से हम आगे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लो। और हमारा जो है सामान ऑलमोस्ट पैक है, ये मैंने पैक कर लिया है, ये भी ऑलमोस्ट पैक है, थोड़ा बहुत सोप वगैरह रह गया। इसमें चाय वगैरह बनाई है अभी हमने सुबह सुबह, ग्रीन टी। बस सामान पैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। टाइम बज रहे सुबह के 8 और हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे। एकदम बढ़िया धूप निकली हुई है सुबह सुबह और ठंडा ठंडा मौसम है। तो ये है मनेरी लेक और जब हम आ रहे थे वहाँ से तो उसका पानी बिल्कुल ब्लू कलर का दिख रहा था। अभी जो है बारिश हुई है उसके बाद सारा मिट्टी मिट्टी वाला पानी आया है तो कलर चेंज हो गया है। ये यहाँ पे डैम है और ये पानी जो है इकट्ठा होता है यहाँ पे, फिर वो डैम से आगे जाता है। चलते हैं आगे। फिर अभी जाना है हमें उत्तरकाशी, होटल वाले के पैसे देने हैं सबसे पहले। तो अभी हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। तो आज का हमारा प्लान है, हम लोग जाके रुकेंगे हरिद्वार। तो हरिद्वार के लिए जो होटल है वो मैं यहीं से बुक कर देता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ वीगो ऐप और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीगो जो है कई सारी वेबसाइट्स के प्राइस को कंपेयर करके आपको बेस्ट प्राइस ऑप्शंस देता है। आपको जो भी प्राइस बेस्ट लगे आप उस प्राइस पे आप अपना होटल बुक कर सकते हो। होटल के साथ साथ फ़्लाइट्स बुकिंग भी वीगो ऐप से हो सकती है और उसमें भी आप कई सारी फ़्लाइट्स कंपनी के प्राइसेस को कंपेयर करके आप अपनी फ़्लाइट्स को बुक कर सकते हो। जहाँ तक है मैं हरिद्वार रुकूंगा क्योंकि मुझका टाइम चल रहा है तो हरिद्वार में स्टे करना ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा अच्छा सा वीडियो बन जाएगा। तो हरिद्वार में अगर मैं होटल सर्च मार रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं हर प्राइस रेंज पर। हॉस्टल भी मिल जाएगा आपको, होटल भी मिल जाएगा। अभी मैं कोई एक सिलेक्ट करके उसको बुक कर दूंगा ताकि हमें हरिद्वार पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी होटल वगैरह ढूंढने में, क्योंकि हमारी बुकिंग पहले से होगी तो कोई वहाँ पे बार्गेनिंग वाला सीन नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी चाउमीन आ चुकी है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। हम लोग रुके थे यहाँ पर होटल गणेश गंगा रेस्टोरेंट। तो भाई यहाँ की चाउमीन बड़ी ज़बरदस्त थी। अभी हम चल रहे हैं आगे, जिसकी पेमेंट देनी हम भूल गए थे होटल वाले की, उसको पेमेंट देते हुए आगे निकलेंगे। ऐसा तो देना भूल ही गए आपको हम, है याद नहीं आपको? नहीं ऐसे कैसे परोपकार हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो हमें निकल गए फिर याद आया, 30-40 किलोमीटर आगे चल गए, आपका नंबर भी कहीं इंटरनेट पे नहीं मिला हमें कि आपको फोन पे बता देते। ठीक है अंकल जी, कर दी पेमेंट, अब चलते हैं हरिद्वार। ये देखो यार क्या जबरदस्त लग रहे हैं खेत, अलग हर खेत का कलर अलग अलग सा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर थोड़े से बादल वगैरह होते तो यहाँ पे अच्छा सा टाइम लैप्स बन जाता लेकिन अभी नहीं बन पाएगा। हाँ सर्च कर लेना, हम गंगोत्री से आ रहे हैं। ब्लॉग बनाने गए थे? हाँ लो आपका चैनल देखूंगा। वीडियो में आ गए तुम।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं वीरपुर में, और यहाँ के माहौल को देख के लगता है यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो झंडे लग रहे हैं। दो रास्ते जाते हैं चंबा की तरफ जाने के लिए, एक टिहरी लेक वाला रास्ता है और एक अपना सीधा जो मेन हाईवे है वो है। तो अभी देखते हैं कौन सा अपने को बढ़िया लगेगा, वहीं से निकल जाएंगे। उधर टिहरी वाला लेक वाला जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा नज़ारे अच्छे होंगे, लेक व्यू दिखता रहेगा रोड के बगल में। और इधर वाला जो है वैसे ही ख़राब रास्ता है, जैसे हम आए थे वही वाला रास्ता है। तो जहाँ तक हम टिहरी लेक वाले लेंगे, क्योंकि बोर हो जाते हैं सेम रास्ते पे आना जाना सेम करना, तो मज़ा नहीं आता, इसलिए दूसरे वाले से जाएंगे। यहाँ से जो है अब हमारे को दो रास्ते मिलते हैं, मतलब एक रास्ता तो ऊपर निकल जाता है बाईपास, हम अंदर शहर के आ गए हैं। और यहाँ पे हो रही है वाटर क्रॉसिंग, नाला क्रॉसिंग। तो अभी यहाँ से जो है एक रास्ता टिहरी लेक वाले रूट पे जाएगा, तो उधर से जाएंगे हम, मेन जिधर से आए थे उधर से नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ से जो है रास्ता हमारा अलग हो गया, जो नॉर्मल रोड है मतलब जो सीधा हाईवे वो उधर है रिवर के उस साइड। पता नहीं हम किधर को आ गए हैं, पूछते हैं इनसे। भैया टिहरी के लिए किधर से सीधा? अच्छा, थैंक यू। ऑफ रोडिंग हो रही है यहाँ तो। मस्त लोकेशन है, अभी शांति सी है यहाँ पे। यहाँ पर भाई क्या ड्रोन शॉट्स आते हैं, लेकिन हमारे पास ड्रोन ही नहीं है, क्या बताएं तुम्हें। ये रूट हमने जो लिया है, रोड तो खस्ता है लेकिन नज़ारे बढ़िया हैं। अरे वाह क्या ब्रिज है, इसके ऊपर से जाना है क्या हमको? पता नहीं, मुझे नहीं भी जाना होगा तो मेरा तो मन कर रहा है एक बार इसके ऊपर से ले जाऊं। पांच सौ मीटर का तो होगा आराम से। चंबा है यहाँ से 36 किलोमीटर। देखो ये सामने नया ब्रिज बना है, हमारा रास्ता तो नहीं है ये जाने का, लेकिन हम इस पे जाएंगे, घूम के वापस आ जाएंगे। अबे इतने बढ़िया बढ़िया ब्रिज बन गए उत्तराखंड में। बढ़िया तो बन रहे हैं, लेकिन हाँ। वो होता है ना कि एक उत्तराखंड वाली बात या ऐसे कि तू और जाएगा ना मेघालय जाएगा, हाँ। तो को देखेगा वहाँ का कि हाँ, लोकल फील। तो अब यार ये तो बड़ी बाहर की कंपनीज बना रही है ना, तो लोकल लोग थोड़ी बना रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है ब्रिटिश सरकार नहीं होती थी उस टाइम। ब्रिटिश सरकार ने बनाया भाई, भारत सरकार ने बनवाया है, अच्छा काम हो रहा है सड़कों पे तो एटलीस्ट। वो देख रहे हो जो बीच में वो होटल्स हैं, मतलब वो तो होटल टाइप है, वहाँ पर आप रुक सकते हो टिहरी लेक के बीचों बीच। ये टिहरी लेक है पूरी, और बोट से जाना पड़ता है वहाँ पर, काफ़ी कॉस्टली है लेकिन एक्सपीरियंस के पैसे हैं भाई, कुछ नई चीज़ है।
और इस ब्रिज पे जो है कैमरे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। अगर आप बीच में कहीं बाइक रोकोगे या स्कूटी रोकोगे, अपनी गाड़ी रोकोगे, तो अनाउंसमेंट हो जाती है स्पीकर्स पे तुरंत कि भाई गाड़ी हटाओ नहीं तो होगा चलान। अभी किसी बंदे ने स्कूटी रोक दी थी तो फिर अनाउंसमेंट हुई। पूरा हाईटेक जुगाड़ कर रखा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आके यहाँ पे कोई भी रुक जाए सड़क पे बीचों बीच खड़ा हो जाए, फोटो लेट लेट के फोटो खिंचवा रहा हो, समझे। यार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे पता लगता है कि हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो भाई चंबा पहुंच गए हैं हम। चंबा आ गए हैं। आगे निकल के थोड़ा ना रुकता हूँ मैं मुबारक के लिए। पता नहीं कहाँ रह गया। और भाई जेसीबी आ गई। तो इस ट्रिप पे जो है तीसरा टैंक फुल हुआ है ये, मतलब तीन बार पेट्रोल डलवाया मैंने और गंगोत्री से दिल्ली तक की ट्रिप हो गई। और अभी जो टैंक फुल हुआ है इसमें मेरी आराम से दिल्ली तक की राइड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। तो तीन टैंक फुल में गंगोत्री से रिटर्न, सही है यार। हरिद्वार 2021, तो हम लोग जो है हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 11 किलोमीटर रह गए यहाँ से, 17 मिनट दिखा रहा है हमारे होटल का रास्ता। तो आई होप जो है पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग का मैंने चेक नहीं किया था तो देखते हैं पार्किंग है कि नहीं, होनी चाहिए भाई नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहुंच गए जी कुंभ। अब यहाँ से 450 मीटर पे है होटल। किधर जाने का है, मैनेजमेंट जो है ना इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है यहाँ पर। कौन सा है, सन सिटी, ये रहा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार और ये है होटल सन सिटी। और रूम दिखा दूं आपको, इधर बेड है, मिरर, वाटर बॉटल, बाथरूम। तो ये है हमारा रूम जो हमें पड़ा है 535 रुपये का। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है क्योंकि आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगले मैं दिखाऊंगा कुंभ। तो बाय बाय।